जय हिंद बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आइए कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज हम देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 3 स्क्वायर, अंडर रूट 9 स्क्वायर, फिर अंडर रूट 81 स्क्वायर, फिर अंडर रूट 16 का पावर 16। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वल टू लिखेंगे, 3 स्क्वायर इधर जैसे है उसको लिख देते हैं 9 स्क्वायर, अंडर रूट 81 का होल स्क्वायर। ये देखिए क्या है, ये हमारा है 16 का पावर 16, और ये रूट है। रूट मतलब क्या हुआ है, पावर 1/2, तो 60/2 कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर अंडर रूट 9 स्क्वायर, अंडर रूट 81 स्क्वायर, और इनटू 16 का पावर 8। यहाँ तक सही है। अब देखिए 81 को और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे यदि हम बेस सेम कर दें तो डायरेक्ट हम पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर अंडर रूट 9 स्क्वायर इंटू अंडर रूट, ये 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, 3 का पावर 4। 3 का पावर 4, पावर पहले 2 से है, 3 का पावर 8 हो जाएगा, और इंटू 16 का पावर 8। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अंडर रूट 9 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 इंटू 16, 48 का पावर 8। डायरेक्ट हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब पावर सेम रहे तो बेस को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों अंडर रूट 3 स्क्वायर अंडर रूट 9 स्क्वायर इंटू 48 का पावर 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 3 का पावर ये हो जाएगा 4 इंटू 48 का पावर। ये देखिए ये रूट जो है क्या हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा पावर में, 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया, रूट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2 लिख सकते हैं, तो 8/2 हो जाएगा, 8/2 कहे तो 4 हो जाएगा, 48 का पावर 4। अब क्या बोले थे, पावर जब सेम रहे मल्टीप्लिकेशन में रहे तो बेस को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अंडर रूट 3 का पावर 4 इंटू 48 का पावर 4, को हम क्या लिखे हैं, 3 इंटू 48 का पावर 4। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 स्क्वायर, ये देखिए रूट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 48 का पावर 4/2, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में, और इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर इंटू 144 का पावर 2, 144 का पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पावर दोनों में क्या सेम है, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर 2 कर दीजिए, तो ये रूट से और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास 3 इंटू 144, मेरा एक चतुर्थ 432, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 432। आइए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको करेंगे सॉल्व, तो ये क्या है, ये है हमारा 9 का पावर x का पावर 10 और x का पावर 4 रूट, तो जब हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर 1/x का पावर 4। तो इसको और क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए दोनों पावर में x का पावर 10 इंटू 1/x का पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 का पावर x का पावर 10 इंटू x का पावर -4, 1/x का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर -4। अब इन दोनों पावर में है तो हम इसको लिख सकते हैं x का पावर 10 और -4, जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है 10 -4, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 × 9 का पावर x का पावर 6। इसको हम सोल्व कर लिए, इसको लिख दीजिए अंडर रूट x√2 का पावर x, √3x का पावर 3, x² रूट ये हो गया, √x³√2
सिक्स एक्स का पावर सिक्स और इंटू इसका जब हम सॉल्यूशन किए तो क्या आया नाइन का पावर एक्स का पावर सिक्स। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं एक्स का पावर सिक्स यहाँ भी है, एक्स का पावर सिक्स यहाँ भी है, तो बेस को हम क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट टू का पावर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर थ्री एक्स का पावर थ्री। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इतना को ये तो हो जाएगा 54 का पावर एक्स का पावर सिक्स और ये जो है हमारा 1/x³ तो इनटू हो जाएगा एक्स का पावर माइनस थ्री। डायरेक्ट इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है और हम इसको क्या लिखेंगे एक्स का पावर क्या हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा 54 का पावर एक्स का पावर थ्री और इनटू ये है थ्री का पावर एक्स का पावर थ्री। यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं पावर सेम है तो हम बेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट टू का पावर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे हम लिख सकते हैं ये हो गया 4 × 12 दो हाथ में रहा 1 × 15 116 162 का पावर x का पावर 3। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे x स्क्वायर है यहाँ पे रूट में तो 1/x² हो जाएगा पावर में। इसको और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का पावर x। ये इसको हम लिख सकते हैं 162 का पावर x का पावर 3 और ये जो है पावर में क्या हो जाएगा 1/x² पावर में क्या हो जाएगा 1/x² इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x 2 का पावर x इंटू 162 का पावर x। अब ये जो है हमारा x वो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा ठीक है और ये रूट है तो रूट क्या हो जाएगा चलिए इसको अगले स्टेप में करेंगे। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं पावर सेम है तो बेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इतना आ जाएगा ठीक है पावर एक्स और पावर 1/x तो ये तो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 324 आ जाएगा। 324 का रूट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 18 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6√15 − √6 56 इंटू √7 + √2 इसको कैसे सोल्व करेंगे। 15 − √56 को क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको लिख सकते हैं √8² + √7² −2 × √8 × √7। देखिए पकड़ना कैसे है 2√56 टू ए बी के फॉर्म में दिखेगा 56 को हम क्या लिख सकते हैं √8 × √7 ठीक है। यहाँ पे ए के जगह पे √8 है और बी के जगह पे √7 है तो इसको हम क्या लिखेंगे a² + b² − 2ab के फॉर्म में ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों ये हो गया हमारा √7 + √2 का पावर 1/3 है। रूट क्यूब को क्या लिख सकते हैं पावर के रूप में 1/3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे a² + b² − 2ab को क्या लिखेंगे a − b² और ये जो पावर सिक्स रूट है वो पावर में क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा √7 + √8 का पावर 1/3। अब देखिए 1/3 पावर में है 1/3 पावर में है तो हम बेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये √8 − √7 है का पावर 1/3 और इंटू इसको भी हम लिख सकते हैं √8 + √7 का पावर 1/3। यहाँ से हम देख रहे हैं पावर 1/3 है यहाँ भी पावर 1/3 दोनों मल्टीप्लाई में तो बेस को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा रूट एट माइनस रूट सेवन इंटू रूट एट प्लस रूट सेवन का पावर 1/3। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 1/3। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, रूट एट का स्क्वायर 8 माइनस रूट सेवन का स्क्वायर 7, 8 में 7 गया 1, 1 का पावर 1/3, ये हमारा 1 आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ रूट सेवन प्लस टू रूट थ्री अपॉन टू रूट सेवन माइनस रूट फाइव इक्वल टू सी प्लस रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर अपॉन 23। यहाँ पे दिया हुआ है पी लेस देन क्यू एंड क्यू लेस देन आर, जहाँ पी क्यू आर रेशनल नंबर्स है, तो आपको क्यू प्लस आर माइनस पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले पी क्यू आर का वैल्यू हमको निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करने पे क्या आ जाएगा, रूट सेवन प्लस टू रूट थ्री अपॉन टू रूट सेवन माइनस रूट फाइव। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, टू रूट सेवन प्लस रूट फाइव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले रूट सेवन को, रूट सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे टू रूट सेवन प्लस रूट फाइव से, और प्लस टू रूट थ्री को फिर मल्टीप्लाई करेंगे टू रूट सेवन प्लस रूट फाइव से। ये हो गया रेशनल। ये जो वैल्यू है ये है सी प्लस रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर अपॉन 23 के इक्वल है। चलिए और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू सेवन 28 माइनस रूट फाइव का होल स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 5, ये 23 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 2 इंटू रूट सेवन 7 14 प्लस रूट 35 प्लस, इसको मल्टीप्लाई दो दूना 4 और ये अंदर में हो गया 21 प्लस, ये हो गया 2 इंटू 15। और ये जो है सी प्लस रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर अपॉन 23 के इक्वल। अब देखिए ये 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ पे सी का वैल्यू जो है, यहाँ से हम क्या निकाल लिए, सी का वैल्यू 14 है। अब यहाँ पे देखना है P क्या होगा, Q क्या होगा और R क्या होगा। सबसे छोटा कौन सा, P है। तो देखिए सबसे छोटा इसमें तीनों में क्या है, इसको जब अंडर अंदर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 21 इंटू ये 16, 16 का रूट ही है 4, तो इसको 16 लिखेंगे अंडर रूट में, और प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अंडर रूट का 15 इंटू 4, क्योंकि 4 का रूट ही हमारा 2 होता है, इसको इस रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया 35। यहाँ क्या दिया हुआ है, P लेस देन Q लेस देन R, सबसे स्मॉल कौन सा है, P है। तो इन तीनों में देखिए P क्या होगा हमारा, सबसे छोटा कौन सा है, रूट 35 है। P का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 35 आ गया। Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और R का जो वैल्यू है सबसे बड़ा ये है, ये हमारा 336, जब मल्टीप्लाई करेंगे 336 आएगा। तो क्वेश्चन में क्या करा था, क्यू प्लस आर माइनस पी निकालने बोला था, क्यू प्लस आर माइनस पी। क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चों, 60 है। आर है हमारे पास 336 और पी का वैल्यू हमारे पास 35। कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6 396 माइनस 35 361, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, 23 प्लस 2 स्क्वायर का पावर 2/3 प्लस 140 माइनस 19 का पावर हाफ, और सब दोनों का सम करके स्क्वायर करना है। इसको और क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो गया 23 प्लस 4 27 का पावर 2/3 प्लस 140 में 19 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 121 का पावर हाफ का होल पावर 2।
टू दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 121 का पावर हाफ कहने का मतलब क्या है कि रूट 121 प्लस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3, और यहाँ पहले से पावर है 2/3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2 9 प्लस ये हो गया 11 का पावर 2, 11 प्लस 9 20, 20 का पावर 2 यानी कि 400, यही हमारा आंसर हो जाएगा।